आज मैं लेकर ही आए आपके लिए नाश्ता रेसिपी, जो कि हम घर में पड़े सामान से ही बनाएंगे। ये बारिश का एकदम टेस्टी नाश्ता है, इसको बर्थडे पार्टी में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम 1 किलो भुट्टे हमने लिए हैं, उनको घिस लेंगे हम, या फिर मिक्सर जार में दाने निकाल के हम रख लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सौंफ, और उसमें डालेंगे हम अजवाइन 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। उसके डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक। नमक के बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद हमने 4-5 हरी मिर्ची काट रखी बारीक, को डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद हमने 2 प्याज बारीक बारीक काट रखे वो डालेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे आधा बाउल बेसन। और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम डालेंगे आधा बाउल हमने सूजी लिए, जो कि हम नॉर्मल सूजी लिए हमने यहाँ पे, और उसको पानी डालते जाएंगे और इसका हम बैटर तैयार करेंगे। या आप छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, या छोटा मोटी भूख को आप उसमें बना सकते हैं नाश्ता रेसिपी। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और उसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। जी हाँ, ये खाने का ही सोडा है, आप डालें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम सोडा डालेंगे, और उधर हमने तेल गरम कर रखा है, मीडियम आँच पर हम डालेंगे। आप छोटे बड़े जैसी साइज़ आपको पसंद हो, उस साइज़ के आप पकौड़े बना सकते हैं। यह वो टेस्टी रेसिपी है, आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार हम सारे पकौड़े उसमें डाल देंगे, और लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें निकालेंगे। अब ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप हरी चटनी या दही के साथ या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप बताइएगा।